नाइट वॉक में निकला जाए और उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए जहाँ जय गुरुदेव महाराज जी अपना स्टे उनका कुछ दिन तक आश्रम हुआ करता था, मेरे पीछे वहाँ है, तो बस उसी को देखने गए हैं। क्योंकि एक्चुअली लास्ट दिन में हुआ क्या, यहाँ ज़्यादा दूर रुकते नहीं है क्योंकि सेफ्टी भी नहीं है। गाँव के बाहर थोड़ा सा आएंगे तो आमी नदी होगी जो कि बहुत लोगों का हेल्प करता है, फिशिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ क्रिमिनेशन भी होती है। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई नो 2 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, जिसको नहीं पता है कौन है। एक्चुअली ये आई थिंक 1-2 महीने पहले ब्लॉग में आए थे, जिनका हेड मसाज हो रहा था अच्छी तरीके से, और ये नोएडा वाले भैया हैं, उनको जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले ब्लॉग में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल अभी का प्लान मेरा कुछ ऐसा है, आई नो 2 दिन ब्लॉग नहीं पड़ा, इसका मेन रीज़न ये है कि मैं खुद अपने आप से 2 दिन का गैप ले रहा था। देखो, जब किसी चीज़ में आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हो तो उसमें गैप लेना भी बहुत ज़रूरी है, और बस वही मैंने किया, गैप लिया। तो आज भैया नोएडा से आए थे, घर का फंक्शन वाला कुछ काम था तो उसको आज निपटा उपटा के ख़त्म किए। तो आज प्लान बना कि नाइट वॉक में निकला जाए और उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए जहाँ जय गुरुदेव महाराज जी अपना स्टे उनका कुछ दिन तक आश्रम हुआ करता था, मेरे पीछे वहाँ है, तो बस उसी को देखने गए हैं। क्योंकि एक्चुअली लास्ट दिन में हुआ क्या, इतनी बारिश कि यहाँ मैं रह कर भी नहीं जा पाया। एक्चुअल जो प्रसाद ग्रहण करना, जो सारी क्रियाक्रम थी, मैं नहीं कर पाया। तो सोचा कि आज देख लेते हैं क्या माहौल है, बस इसी तरीके से निकल दिए हैं नाइट वॉक पे। अब डेली व्लॉग आएगा, बस सब करिए। थोड़ी सी क्वालिटी में इम्प्रूव लग रही हुई, आई नो, तो समझ सकते हो भाई, मैं पैसा खर्च किया क्वालिटी के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च किया है। और बिलीव मी, अभी अंधेरा है और कैमरे की विजिबिलिटी मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या है। तो फिर मिलते हैं और आगे का प्लान देखते हैं। एक्चुअली ये वही रोड है, इस साइड खेती है, यहाँ फार्मर लोग अपना आजीविका चलाते हैं। वहाँ जाके जो गार्डन है, उस गार्डन में महाराज जी का आश्रम हुआ करता था। मेरा ही बाग है। वही बाग है जहाँ पे एक समय पूरा भव्य कार्यक्रम होता था, और यही आज देखिए क्या बुरा हाल हो गया। इस सड़क का देखिए क्या हाल हो गया, पूरा मिट्टी मिट्टी। एक्चुअली पॉपुलेशन ही इतना आई हुई थी ना कि मतलब समझ सकते हो ना। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप डेफिनेटली जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये वो हाल है रोड का, ये देखिए, एक समय प्लेन सा होता था यहाँ से, फिर ऐसे ऐसे जाते थे, और यह हाल क्या हो गया है। वही नाला है जो बीच में पूरा पानी जाता था, बट जब गुरुदेव जी महाराज आए थे तो इसको अच्छी तरीके से बना दिया गया था। लेकिन आज इसका हालत पहले से तो बेटर है, पहले तो पानी में ऐसे ही जाना पड़ता था, बट अब फिलहाल इतना तो सह लेंगे यार। कितना चाहिए, यहाँ पाइप डाल दिए, ये ऐसे बहता हुआ ऐसे आता है, फिर ऐसे चला जाता है, बीच में पाइप पड़ गया है जो कि बेटर हो गया। और एक समय यहाँ पूरा मेला लगता था, आज पूरा सुनसान हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, महाराज जी वहाँ स्टे किए थे, वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि पानी भरा हुआ है। आई थिंक कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है ना। अब मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में ही रह गया, भैया वहाँ चले गए। पूरा वहाँ मठ लगता था, सारे उनके शिष्य लोग रहते थे, और महाराज जी का पंडाल इधर था। क्या असर भैया, क्या बोल रहे हैं? अभी एक्चुअल में हुआ क्या, मैं यहाँ का वीडियो शूट कर रहा था, तब तक सूर्य भैया के क्या कर रहे हैं वो देखिए, वहाँ एक आदमी करते हुए, एक्चुअली जो मैं वर्ड बोला हूँ उस पर बीप आ जाएगा, बीप 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 क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं। बट मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपके परिवार से या आप कहीं भी जाते हैं खुले में शौच करते हैं, तो मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। शौच को बदलें मतलब शौच को बदलें, इसका क्या मतलब सूर्य भैया? कुछ ज़्यादा ही अंधेरा आ गया। मिलते हैं फिर आपसे और कुछ नई कड़ी लेकर। एक समय ग्राउंड होता था, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे, आज मिट्टी खनन वाले, भूमि खनन वाले इसको खन खन के बर्बाद कर दिए, इसको खोद खोद के बर्बाद कर दिए, और ये पूरा बच्चों का फील्ड बर्बाद हो चुका। और आप देख सकते हैं वहाँ बाबा जी का थोड़ा सा अभी
उनका झोपड़ी जो है वो बचा हुआ है। हमने दूर दूर से बंदे बुलाए हैं इस पगडंडी पे चलने के लिए, जो कि नोएडा से, दिल्ली से। ये पैर आपके तरस जाते होंगे सर, नोएडा में आपको ऐसी धरती या ऐसी ज़मीन नहीं मिलती होंगी। हालांकि भारत में रहते हो, बट वहाँ छर्रियों पे, गिट्टियों पे, फर्श पे, टाइल्स पे आप चलते होंगे। यहाँ अपने देश की मिट्टी पे चल रहा है। कैसा लगा मेरा जोक सुनो भैया? अच्छा, थोड़ी कह रहा हूँ कि नोएडा दूसरे देश की ज़मीन है या मिट्टी है, सब अपने ही देश का है। बट वहाँ टाइल्स पे, फर्श पे चलने की आपको आदत है, पता है ना? जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो भोजपुरी बोलना नॉट अलाउ, बट चल सकता है यार, इतना चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ना भोजपुरी समाज से रिलेटेड हैं। तो अगर सॉरी अगर आपको भोजपुरी सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, वैसे होना भी नहीं चाहिए, बट जिसको उसको होती होगी ना, तहे दिल से सॉरी 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 सॉरी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, अभी मैं शाम को 6 बजे आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। 2 दिन बिल्कुल कैमरा नहीं छुआ था, ना मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम दे रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था। और फिलहाल अभी अंधेरा हो चुका है, प्लान है उधर कुछ नदी है, ड्यू टू बाढ़ अपना जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ चुका है, उसी को देखने का प्लान है। तो साथ में भैया आ गए तो उन्हीं के साथ चलते हैं। वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और अगर यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेहनत कैसा है। ये सब सारी चीज़ कंटेंट दिखाते हैं। एक समय था यहाँ इतने लोग भरे हुए थे, एक हफ्ते पूरे इसको शहर बना रहे थे, कोई एक सिटी सी लग रही थी। भैया आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा जनरेटर चल रहा था, इतने लोग आए थे, पूरे मेला लगा हुआ था। आप तो मेरा व्लॉग देखे होंगे, फिर आपको पता भी चल गया होगा। और डेफिनेटली अगर जो नहीं देखा है तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके चेक आउट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक आउट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में लेट हो गया हूँ, एक्चुअली बहुत अंधेरा हो चुका है, तो ऐसा ना हो मैं पीछे छोड़ जाऊँगा, जानवर लोग अटैक करें, इससे पहले चलते हैं, क्योंकि ग्रुप में चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है, मिलते हैं। ए गाइस, फिलहाल अभी गाना बंद करते हैं। एक्चुअली मैं बता रहा था कि आते आते लेट हो जाएगा, बट इतना अंधेरा हो गया है कि फ्लैश लाइट से वीडियो बनाना पड़ा है, और मेरे पीछे है नदी। आई डोंट नो कैमरे में विजिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, बट अब यहाँ ज़्यादा दूर रुकते नहीं है क्योंकि सेफ्टी भी नहीं है। फिर चलते हैं घर पे। अब आई थिंक सोच रहा हूँ यही ब्लॉग को आज एक नए अंदाज में ब्लॉग को एंड करूँ। हे गाइस, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि हम भी अंदर से मोटिवेट हों और आपको भी मोटिवेट करते रहें। इतना कीड़े गिरे हैं, कीड़े खा लिए यार मैंने। और फिलहाल इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए RP ब्लॉग, रवि प्रताप सिंह। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ हम आमी नदी पे आए हुए हैं। आमी नदी आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए मेरे एरिया में, गांव के बाहर थोड़ा सा आएंगे तो आमी नदी होगी, जो कि बहुत लोगों का हेल्प करता है, फिशिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ क्रिमिनेशन भी होती है। और बस फिलहाल इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय दोस्त। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, अब साफ आ रहा कि ये दोबारा बोलें सही है, पहले भी साफ सही आ रहा था। हाँ ठीक है, चलो वैसे ही चल रहा है। हाँ तो फिलहाल अभी मैं, राप्ती नदी है ना? नहीं, आमी।